हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रकाश कुमार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पे क्लिक कीजिएगा, साथ ही इस बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टूडेंट, चलिए आज फिर 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनमें से भी ये जो पहला क्वेश्चन है इसके ज़्यादा चांसेस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे स्विमिंग पूल जो होता है वो कुछ कम गहरा दिखाई देता है, जबकि हम उसमें जाते हैं तो वो ज़्यादा गहराई का होता है। इसके अलावा जब हम किसी पानी के बर्तन में सिक्का डालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? अपवर्तन की वजह से। तो इसका उत्तर है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस किससे बनता है? लेंस का मतलब ये जो अपने लेंस होते हैं, जो हम लेंस यूज़ में लेते हैं, वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं फ्लिट कांच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो देखिए, प्रकाश का वेग होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें आप धोखा मत खा जाना, तो आप ध्यान रखिएगा 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होती है? तो प्लांक नियतांक की यूनिट होती है JS। यहाँ पर J को हम क्या बोलेंगे? जूल। और S को क्या बोलेंगे हम? सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। तो J का मतलब क्या हो गया? जूल। जूल। और S का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है या इकाई क्या होती है? जूल सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ये जे बाय एस का मतलब क्या हुआ? जूल पर सेकेंड। तो ये गलत ऑप्शन है, ये तीनों गलत ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन है C, जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं? तो प्लांक के अचर में किसकी विमाएँ होती है, आप याद रख लीजिए, ये होती है कोणीय गति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पनीर किसका उदाहरण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, निम्न में से पनीर किसका उदाहरण है? तो देखिए, पनीर जेल का उदाहरण होता है, फॉर्म का नहीं होता, सोल का नहीं होता, इमल्सल का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, ये वास्तविक नहीं है, वानस्पतिक नाम है। तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से, कृमि से, रोगाणु से या कवक से? तो देखिए, ये होता है कृमि से। ठीक है, फाइलेरिया रोग की बात कर रहा हूँ मैं। फाइलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? कृमि की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लार की प्रकृति कैसी होती है? लार जो हमारे मुंह में बनती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए, लार जो बोलते हैं कि हमें सुबह सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए हमें पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुँह में जो रात भर की जो लार होती है वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो लार जो होती है वो होती है अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, हमारे पेट में जो लार जाती है, जब पेट में पहुंचती है सुबह सुबह जो हम पानी पीते हैं बिना कुल्ला किए हुए, वो जो लार हमारे पेट में पहुंचती है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुई है, और वो यानी पेट की कई बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। तो ये जो लार है ये अम्लीय प्रकृति की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? रुधिर प्लाज्मा में, रुधिर कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में या श्वेत रक्त कणिकाओं में? तो सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन आपको भी पता होगा,
लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप। तो स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर, ये मेरा वीडियो ख़त्म हुआ आज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आऊँगा आपके लिए जो आपको आपके भविष्य में मददगार साबित हो, आपको आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि मिले, मैं जो ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपका एक लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।